दो चिटफंड कंपनियों के संचालकों और सदस्यों पर 6 एजेंटों पर धोखाधड़ी का केस। ये बड़ी खबर नई दुनिया अखबार से आई है। न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके आज जो हम 14 सितंबर की चिटफंड पर लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आए हैं वो न्यूज़ क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब करे शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर जो नई दुनिया अखबार के प्रतिनिधि द्वारा हमारे पास आई है। ये खबर सेंधवा वरला पुलिस ने क्षेत्र में संचालित दो चिटफंड कंपनियों के 2 मैनेजर और 10 सदस्यों सहित 6 एजेंटों के विरुद्ध धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सभी आरोपितों की तलाश की जा रही है। 10 दिन पूर्व एसपी को की गई शिकायत के बाद वरला पुलिस ने मामले की कायमी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपित कंपनी के अधिकारियों ने लोगों को लाखों रुपये जमा करवा कर राशि नहीं लौटाई। वरला पुलिस ने SI विलम्ब तिवारी ने बताया कि RKR ग्रुप कंपनी और मैत्रेय कंपनी द्वारा सेंधवा में कार्यालय खोलकर वर्ष 2011 में वरला पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम धौली बलवाड़ी बरला सहित अन्य क्षेत्रों में काम शुरू किया गया था। दोनों कंपनियों के एजेंटों ने के माध्यम से अधिक ब्याज देने का लालच देकर लोगों से डेली कलेक्शन मासिक और सालाना राशि जमा कराई गई। राशि लौटाने के 3 से 5 माह पहले ही वर्ष 2016 में दोनों कंपनियां कार्यालय बंद कर भाग गई, जिसके बाद फरियादी राशि लौटाने को लेकर कंपनियों के एजेंटों और संचालकों से मिले लेकिन उनको उनकी राशि नहीं मिल पाई। एसपी को की गई शिकायत के बाद जांच कर दोनों कंपनियों के संचालकों, सदस्यों, एजेंटों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। तो दोस्तों, ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपके लिए लेकर आए चिटफंड न्यूज़ पर, जो हमने आपको ये न्यूज़ दी, ये न्यूज़ नई दुनिया अखबार में आप देख सकते हैं। बड़ी खबर जो ये है कि चिटफंड कंपनियों की इस वक्त जो भगम भगैया लग रही है, उसमें न जाने कितने ऐसे पीड़ित निवेशकों के पैसे जो जिनका जीवन भर की कमाई उसमें लगा देते हैं और आज अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।